Hello everyone, welcome again to my channel जिसका नाम है lawyers hub और आज हम बात करेंगे writs के बारे में. सबको पता होगा writs का क्या concept है, पर सबको ये नहीं पता होगा कि कहाँ से origin है, कौन file कर सकता है, कौन issue करता है writs को. ये सारी जो भी चीजें हैं ये आज हम cover करेंगे इस video में. ज्यादा बड़ी video नहीं बनाऊंगा, छोटी video बनाऊंगा, पर एक एक चीज आपकी कवर हो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एडिशनल एग्जाम्स के लिए भी कवर अप हो जाएगी जो भी रिट से रिलेटेड जो भी सारी आपकी क्वेरी है. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और आखिर तक देखे बिना मत जाना. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पढ़ने क्या जा रहे हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन कहां से हुआ, कि उत्पत्ति कहां से है इसकी, रिट्स के कॉन्सेप्ट की मतलब क्या है इसका, कि कहाँ पे रिट फाइल करी जा सकती है, फिर ये चीज देखेंगे. तीसरे उस हिस्से में देखेंगे कितने तरह की रिट्स होती है और फिर देखते हैं कि रिट जो है कौन फाइल कर सकता है. तो जो ये रिट कौन फाइल कर सकता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए. सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ का नहीं है, इंग्लैंड का, यूके का कॉन्सेप्ट है. उसमें जो था, जो किंग था वो इश्यू करता था रिट्स. रिट्स को हम एक तरह से माना जाए तो रिटिन, फॉर्मल रिटिन ऑर्डर्स मान सकते हैं. जो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो फॉर्मल रिटिन ऑर्डर्स होते थे जो कि इश्यू करे जाते थे जुडिशियल ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत किसी भी बॉडी के द्वारा. और एक रिट को, या हम सिंपल कह दें एक मोनार्क के द्वारा जो है ऑर्डर प्रस्तुत करना जाना या बनाया जाना, ताकि जो दूसरे लोग हैं या जो उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज है वो उसे फॉलो करें. ये वो आपका ओरिजिन खत्म. फिर बात करते हैं वेयर कैन अ रिट पिटिशन बी फाइल, मतलब कि रिट पिटिशन कहाँ फाइल करी जाती है, कि कर कौन सकता है. तो सबसे कर कौन सकता नहीं है, कर कौन सकता है तो वो तो बाद में क्वेश्चन का आंसर दूंगा. सबसे पहले है कि कहाँ पे पिटीशन फाइल करी जा सकती है, रिट पिटीशन कहाँ पे फाइल करी जा सकती है. तो सबसे पहले देखते हैं अंडर आर्टिकल 32, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 32 है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो रिट इश्यू कर सकती है. अगर किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहा है, अगर मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंफ्रिंज हो रहा है और मुझे अब कुछ चाहिए, तो रेमेडी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए, तो मेरे पास ये अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन है उसे डाल सकूं. और अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर देगी जैसे भी वो केस को डिसाइड करेगी. दूसरी बात आती है आर्टिकल 226 की, जो कि आपका हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन की बात करता है. हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो रिट इश्यू कर सकती है. तो ये दो चीजें आई आर्टिकल 32 के अंतर्गत और आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जो है वो इश्यू की जा सकती है, या हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल करी जा सकती है इन इन आर्टिकल के अंतर्गत. ये हुआ कहां पे की जा सकती है और कौन इन्हें इश्यू कर सकता है. तो ये तो क्वेश्चन क्लियर हुए. अब आते हैं कि कितने तरह की रिट्स है. सिंपली 5 तरह की रिट्स है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस का अगर सिंपल मीनिंग हम निकाले, टू हैव अ बॉडी ऑफ, इसका ये कॉन्सेप्ट है अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया गया है, मतलब कि किसी ने, पुलिस आई घर पे, ये आपका अधिकार है कि अगर आप घर पे बैठे हो और आई पुलिस और आपको उठा के लेगी बिना किसी रीजन के, और आपको उन्होंने जो है ये एक वो है राइट कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है अगर उसने किसी को डिटेन करा है. अगर वो नहीं करती है तो आप जो है हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो, इसके अंतर्गत पिटीशन फाइल कर सकते हो, हैबियस कॉर्पस की रिट के रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो. इसका केस आया था रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें क्या हुआ था कि रुदल शाह जो था उसने अपनी जो थी जेल की जो भी अवधि थी वो सारी काट ली थी, जो भी सजा दी गई थी, और उसे 14 साल फर्दर जेल में रखा गया था. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हैबियस कॉर्पस की जो थी रिट लगाई गई, रिट पिटीशन फाइल करी गई और इसे एकदम रिलीज कर दिया गया था जेल में से, और जो भी रेमेडीज थी वो दी गई थी. ये इंपॉर्टेंट केस है. दूसरा आता है मैंडेमस का कॉन्सेप्ट. मैंडेमस कहती है वी कमांड,
इस वी कमांड का मतलब है कि यहाँ पे जो है कि अपर अथॉरिटी मतलब कि जो जो जुडिशरी है वो कमांड कर रही है कि अगर कोई भी अथॉरिटी अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही है, पब्लिक ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट जो है इशू करके उस अथॉरिटी को कमांड कर सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर करो। ये केस आया था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेज लोटस होटल का। इस केस से आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसका यह मतलब है कि ऐसा हुआ कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम फंड रिलीज करेंगे और आप ऐसे ऐसे ये काम कर लेना, ये जो भी फर्दर बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन का काम है आप ये कर लेना। लोटस जो लोटस होटल्स थे उन्होंने रिट पिटिशन डाली मैंडेमस को लेते हुए, क्योंकि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने फंड रिलीज नहीं करे तो वो नहीं बना पाए। तो इस चीज को देखते हुए तो फिर जो कोर्ट थी उसने इशू कर दी थी मैंडेमस की रेट कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फंड्स रिलीज करे ताकि आगे फर्दर पब्लिक ड्यूटी का जो काम है वो हो सके। अब तीसरी आपकी आती है रेट क्यो वारंटो। सिंपल मतलब जो निकलता है इसका बाय वोट वारंट, और हम क्या कह सकते हैं बाय वोट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से या किस वारंट से। ये जो चीज जो ये रेट यूज होती है ये जब यूज होती है, अगर सोचो कि अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आए हो, आपने 12वीं पास करी होगी, ये तो समझ आ गया कितने परसेंट से पास करी होगी, ये क्या आपने एंट्रेंस एग्जाम पास करा है, सारी चीजें आती है। तो यही यहाँ पे चीजें आती है कि किस अधिकार से किस अथॉरिटी से अगर आपने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है तो आपने वो किस अधिकार से कर रखा है। अगर कोर्ट ये पूछती है कि आपने जो ये पब्लिक ऑफिस है, अगर किसी आईएएस ऑफिसर से पूछती है कि आपने ये पब्लिक ऑफिस किस अधिकार से होल्ड कर रखा है, किस अथॉरिटी से होल्ड कर रखा है, तो उन्हें जो है अपने जो है सारे जो भी एविडेंसेस होंगे कि हाँ मैं इस वजह से इस ऑफिस में बैठा हूँ, ये मेरा अधिकार है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ, वो सबको शो करने पड़ेंगे। तो कि किस अथॉरिटी से कोई भी पर्सन जो है पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, ये जो रिट है इस बारे में बात करती है, कौन क्यों वारंटो। अब अगली आती है सर्शरी, इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इसका क्या हुआ था कि केस का मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। सर्टिफाइड का मतलब टू बी सर्टिफाइड मतलब सर्शरी का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे है कि जो अपर कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से, अगर उन्होंने लोअर कोर्ट से जो है रिकॉर्ड्स मांग सकती है किसी भी केस से रिलेटेड जो कि हाई कोर्ट में आया है या सुप्रीम कोर्ट में आया है रिट पिटीशन के थ्रू। तो केसेस के थ्रू समझाता हूँ। एक एक कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और गुलापल्ली नागेश्वर वर्सेस APSRTC का केस था। इसमें क्या हुआ था, जो लोअर कोर्ट थी उन्होंने एक तरह से देखा जाए इलीगल जजमेंट पास करा था, इलीगल ऑर्डर पास करा था। इलीगल ऑर्डर से मेरा मतलब है कि इलीगल इन द सेंस वो वाला इलीगल नहीं कि अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाकर, अपने ज्यूरिसडिक्शन से, अपने दायरे से बाहर जाकर जो था केस डिसाइड करा था। तो यहाँ पे दोनों केसेस में क्या हुआ था, दोनों केसेस में जो ऑर्डर जो पास करा गया था वो क्वेश कर दिया गया था अपर कोर्ट के द्वारा। तो ये इस केस में हुआ। अब आखिरी आती है आपकी रेट प्रोहिबिशन। इसका सिंपल सा मतलब प्रोहिबिशन तो हम क्या समझते हैं, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, प्रोहिबिट करना, रोकना, फॉरबिड करना, स्टे ऑर्डर। एक तरह से ये होता है कि सर्शरी जो है वो बाद की प्रोसेस है, प्रोहिबिशन पहली प्रोसेस है। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर होने वाला है या कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन होने वाला है उसके खिलाफ, उस ऑर्डर के होने से पहले ही हम अपर कोर्ट में जाके अगर मेरे साथ जो है कुछ अन्याय हो रहा है तो उससे पहले ही, अन्याय होने से पहले ही मैं रिट पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ और कह सकता हूँ मेरे साथ ये हो रहा है, आप इस जो ये भी ऑर्डर आ रहा है इस पे स्टे लगा दीजिए। तो ये आपकी बात करते हैं प्रोहिबिशन। ये आपकी 5 रिट हुई जिनका नाम है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्शरी एंड प्रोहिबिशन। यहाँ पे हुआ आपका टाइप्स ऑफ रिट का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हुआ। अब देखते हैं कि रिट पिटीशन जो है वो कौन फाइल कर सकता है। एक रिट पिटीशन जो है वो या तो वो पर्सन फाइल करे जिसका फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ है। अगर मेरा कोई ए है, मैं अपना कह रहा हूं ए है, ए का फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ है तो क्या होगा, जो ए है वो डायरेक्टली जो है रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। सबसे पहली चीज है कि ए कर सकता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई एडवोकेट है या कोई एनजीओ है, तो
अगर उन्हें लगता है कि इस ग्रुप के साथ या इन पर्सन्स के साथ जो है उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो है उनका इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो वो उनके बिहाफ पे भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो ये तो चीज क्लियर हुई कि कौन कौन कर सकता है। तो हमने क्या क्या कवर करा ये देखते हैं एक बार। हमने सबसे पहले कवर करा कि ओरिजिन कहां से हुआ, फिर करा कि रिट पिटीशन कहां फाइल करी जाती है और कौन इशू कर सकता है, कितने तरह की रिट्स होती है वो देखी, और रिट पिटीशन किसके द्वारा फाइल करी जाती है वो देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आपके लिए नई नई वीडियो लाऊं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक जो है हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं उस पर फर्दर वीडियो बना दूंगा। बस इतना ही बोलते हैं, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरी देखें। थैंक यू।